न्यू जेनरेशन सेलेरियो, अर्टिगा, ब्रेजर और एक्सएल 6 के बाद अब मारुति एक और बड़ा धमाका करने जा रही है। मारुति आल्टो के नए मॉडल का उत्पादन आने वाले महीने में शुरू होने जा रहा है। जानिए कैसे होगी नई आल्टो पुराने मॉडल से अलग। न्यू जेनरेशन सेलेरियो, अर्टिगा, ब्रेजर और एक्सएल 6 के बाद अब मारुति एक और बड़ा धमाका करने जा रही है। मारुति आल्टो के नए मॉडल का उत्पादन आने वाले महीने में शुरू होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी मारुति आल्टो का प्रोडक्शन जून में शुरू कर सकती है। आल्टो का यह नया मॉडल डिजाइन के मामले में पुराने मॉडल से काफी अलग होगा। हालांकि कंपनी ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह लॉन्च इस साल की सबसे बड़ी लॉन्चिंग में से एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक अगले महीने से प्रोडक्शन में जाने वाली इस कार को जुलाई या अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी का विचार है कि वे इसे त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों तक पहुंचाएं। आइए जानते हैं मारुति आल्टो 2022 पुरानी वाली से कितनी अलग होगी। नई आल्टो कार पुराने मॉडल की तुलना में आकार में लंबी और हल्की होने वाली है। नई आल्टो की डिजाइन ग्रिल हनीकॉम स्टाइल पैटर्न पर बनाई जाएगी। नए मॉडल के हेडलैम्प्स और बोनट डिजाइन में फर्क नजर आएगा। मनोरंजन के लिए नई आल्टो में टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी आल्टो में फीचर्स में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देगी। कंपनी कीलेस एंट्री और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ आएगी। मारुति नई आल्टो में 1.0 लीटर के 1.0C पेट्रोल इंजन लगाएगी। इस नए मॉडल में 796cc 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा। नया डिजाइन CNG किट के साथ भी पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई आल्टो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगी।